हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फ़ोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेंसिल के ऊपर क्लिक करके हीलिंग के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको अपनी फ़ोटो को जूम करके फेस पे कोई डार्क स्पॉट्स है तो आपको अप्लाई करना है। इस टूल्स को ऐसे आपको अप्लाई करना है डार्क स्पॉट्स के ऊपर। देन आपको कर देना है डन। नेक्स्ट आपको पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्रश के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको सेकेंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ईवी एक्सपोजर। देन एक्सपोजर को 0.3 पे रख के फेस और नेक पे अप्लाई कर लेना है टूल्स को। देन आपको करना है डन। फिर से आपको पेंसिल के ऊपर क्लिक करके सिलेक्टिव पे क्लिक करना है। देन आपको सर्कल को फेस पे रख के छोटा करके आपको ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करना है। फिर से आपको सिलेक्टिव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पोर्शन में सर्कल को रखना है। देन आपको सिंपली ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है। फिर से पेंसिल के ऊपर क्लिक करके सिलेक्टिव को सिलेक्ट करना है। देन आपको इस पोर्शन में ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करना है फेस के, ठीक है। नेक्स्ट आपको सिलेक्टिव पे क्लिक करना है। देन आपको इस पोर्शन के ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करना होगा, ठीक है। फिर से आपको सिलेक्टिव को सिलेक्ट करना है। देन आपको इस पोर्शन की ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, ठीक है। आपको पेंसिल पे क्लिक करके सिलेक्टिव को सिलेक्ट करना है। देन आपको इस पोर्शन की ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको सिलेक्टिव को सिलेक्ट करना है। देन आपको सिंपली नेक के ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है ऐसे। आपको कर देना है डन। फिर से आपको पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। देन डिटेल्स पे क्लिक करके आपको स्ट्रक्चर को थोड़ा इंक्रीज करना है। देन कर देना है डन। नेक्स्ट पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको ट्यून इमेज के ऊपर क्लिक करके आपको नीचे आना है, शेडो को -100 में रखना है। देन आपको कर देना है डन। देन फास्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है। ट्यून इमेज के ऊपर क्लिक करके आपको ब्रश के ऊपर क्लिक करना है। देन ट्यून इमेज को 100 में रखना है। देन आपको सिंपली आउटर पोर्शन में अप्लाई करना है टूल्स को। नेक्स्ट आपको कर देना है डन। फिर से आपको पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको सिंपली नीचे जाना है, लेंस ब्लर को सिलेक्ट करके सर्कल को ऐसे आपको नीचे ले आना है। देन आपको कर देना है डन। फिर से फास्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है। देन लेंस ब्लर के ऊपर क्लिक करके ब्रश के ऊपर क्लिक करना है। देन लेंस ब्लर को 75 में रख के आपको फोटो को जूम करके फेस और नेक पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपको कर देना है डन। उसके बाद आपको सिंपली पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको सिलेक्टिव पे क्लिक करना है, ठीक है। देन आपको सर्कल को नेक पे रख के नेक के ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है। नेक्स्ट सिलेक्टिव को सिलेक्ट करके आपको फेस के ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करना है। देन आपको कर देना है डन। ये स्नैपसीड में हो गया, आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन में शेयर करना है। ये पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ओपन हो गया। आपको क्या करना है, आपको सिंपली ब्यूटीफाई के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको सिंपली साइड में ड्रैग करके आई कलर को सिलेक्ट करना है अपनी पसंद की। मैं इस आई को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन आपको कैपेसिटी को थोड़ा इंक्रीज करके इरेज के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको सिंपली आउटर आई को इरेज कर लेना है ऐसे, ठीक है। दोनों आई को इरेज करके आपको कर देना है डन। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली सेकेंड वाला ऑप्शन टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद एडजस्ट पे क्लिक करना है। देन थर्ड वाला ऑप्शन क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है।
इंक्रीज करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इरेज के ऊपर क्लिक करना है, देन इनवर्ट पे क्लिक करके बियर्ड और बालों पे अप्लाई करना है, देन आपको सिंपली कर देना है डन। उसके बाद आपको इस फोटो को टूलविज एप्लीकेशन में शेयर करना है, देन आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करके सॉफ्ट स्मास पे क्लिक करना है, एंड आपको सिंपली लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको आपको मास्क पे क्लिक करके फिल पे क्लिक करना है, एंड आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करके बाल और फेस पे अप्लाई करना है टूल्स को। नेक्स्ट आपको कर देना है डन। फिर से आपको एफएक्स पे क्लिक करके सॉफ्ट स्मास पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फास्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन आपको कर देना है डन। तो ये हो गया है, आप देख सकते हो फोटो कितना प्रोफेशनल, यूनिक और अट्रैक्टिव लग